अगर आप एक किसान हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। जिससे पहले कि हम यह जानकारी आप लोगों को बताएं, उससे पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल रोचक एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करिए और हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर करिए। जो जानकारी आप लोगों को मिल रही है वो है वह जानकारी आपके आस पड़ोस के किसान भाइयों को मिल सके। अगर आप खेती करते हैं तो आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे किस खनिज की कमी से किस रोग का और किस कीड़े का प्रकोप होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को हम बता दें, हमारे फसल में रोग व कीड़े कुछ तत्व खनिजों की कमी से होते हैं और उसी कारण हमारी फसल में उसमें अनेक प्रकार के रोग लगते हैं। जैसे फल का चिटकना, फल का सड़ जाना और फल का कमजोर होना, फल का मोटा ना होना, फल का लंबा ना होना, अनेक प्रकार की बीमारियों के बारे में बात करेंगे। यानी कि बीमारी जो हमारी लगती है किस तत्व और खनिज से लगती है, सिर्फ इस वीडियो में हम बात करेंगे खनिज से कौन सी बीमारी और कौन से कीट का प्रकोप होता है। इस वीडियो में हम 10 पॉइंट बताएंगे आपको, उस 10 पॉइंट का अगर आप फॉलो करते हैं तो हमारी जो फसल है उसकी उपज अच्छी रहेगी। नंबर एक बात करते हैं, फसल में अगर आयरन होगा तो हमारी फसल में इल्ली का प्रकोप नहीं होगा। नंबर दो, अगर फसल में सल्फर होगा तो फंगस की बीमारी कभी नहीं लगेगी। नंबर तीन, अगर फसल में जिंक होगा यानी कि जिंक की कमी नहीं होगी तो हमारी फसल में कोई भी वायरस का प्रकोप नहीं होगा और हमारी फसल सुरक्षित रहेगी। नंबर चार, अगर हमारी फसल में तांबा और मैंगनीज की कमी नहीं होगी तो हमारी फसल में बैक्टीरियल ब्लास्ट जैसी बीमारी कभी नहीं लगेगी। नंबर पांच, अगर हमारी फसल में कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो उसमें रस चूसक की बीमारी नहीं लगेगी। रस चूसक बीमारी अगर लग जाती है फसल में तो हमारी फसल सूखने लगती है, यानी कोई फल या फसल होती है उसमें रस चूसने वाला कीड़ा होता है वो लग जाता है तो फसल नष्ट होने लगती है, जिससे हमारी फसल काफी 50 से 60% तक हमारी फसल को हानि हो जाती है। अगर रस चूसक के बारे में अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके वो पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। नंबर छह की बात करते हैं, फसल की ऊपरी परत पर जो बुआई करते हैं वहां पर अनेक प्रकार के खनिज तत्वों की कमी होती है। हम किसान भाइयों को तो पता नहीं होता किस खनिज तत्व की कमी है और हम लोग ऐसे ही बुआई कर देते हैं। हाँ, ये फसल कमजोर हो जाती है और उपज भी कम होती है और खनिज तत्वों की कमी से हमारी फसल में अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं और सूक्ष्म खनिज तत्वों की कमी से हमारी फसल की उपज भी कम हो जाती है। जैसे फसल में अगर फास्फोरस की कमी होगी तो पत्ते टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और फसल की लंबाई और मोटाई कम हो जाती है। तत्व से संबंधित आप लोग अगर विधिवत जानकारी जानना चाहते हैं तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, वहां से आप लोग लिंक्स पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले हमने सूक्ष्म पोषक तत्वों पर पूरा वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, वहां से आप लोग जाके देखिएगा। नंबर आठ बात करते हैं, फसल में अगर पोटास कम होगा तो फसल में कंसे कम आते हैं, यानी कि फल देने वाले फूल कम आते हैं। जाहिर सी बात है, अगर फूल कम आएंगे तो फल भी कम लगते हैं और जो कंसे निकलते हैं वो कमजोर होते हैं, जिसके कारण हमारा फल छोटा रह जाता है। नंबर नौ, अगर फसल में बोरान और कैल्शियम नहीं होगा तो हमारी फसल में फूल नहीं आते हैं और फल फटने लगता है, जिससे उपज में भारी नुकसान होता है। नंबर दस, अगर हमारे फसल में जिंक सल्फर नहीं है तो हमारे फलों में स्वाद नहीं आता है। अगर हमें फलों में अच्छा स्वाद लेना है तो हमें जिंक सल्फर का प्रयोग करना ही बहुत ही आवश्यक है। ये 10 पॉइंट थे जो हमारी फसल को और फलों को अच्छी उपज व अच्छा स्वाद दे सकते हैं, इसलिए इन खनिजों का हमें आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए और अच्छी से अच्छी उपज हमें अपनी फसल और फल की लेनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारे मिट्टी की उर्वरता शक्ति यानी कि उर्वरक की कमी हो जाती है, उसके लिए हमें उर्वरक खाद का प्रयोग भी करना चाहिए। उर्वरक खाद का प्रयोग हम अलग अलग तरीकों से करते हैं, हमने इस पर उर्वरक खाद के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना के रखी है, उसकी भी एक लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह हमारी खनिज से जुड़ी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को हमारी लाइक करिएगा और अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर करिएगा।